श्रीमद् भागवत गीता द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 51। कर्म जम बुद्धि युक्तः हि फलम् त्यक्त्वा मनीषिणः। जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्ति अनामयम्। कर्मजम सकाम कर्मों के कारण बुद्धि युक्तः भक्ति में लगे ही निश्चय ही फलम फल त्यक्त्वा त्याग कर मनीषिणः बड़े बड़े ऋषि मुनि या भक्तगण जन्म बंध जन्म तथा मृत्यु के बंधन से विनिर्मुक्तः मुक्त पदम पद पर गच्छन्ति पहुँचते हैं अनामयम बिना कष्ट के। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है, समस्त दुखों से दूर है। तात्पर्य है मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवत में कहा गया है सम आश्रिता ये पद पल्लवा पल्लवम महत्व पदम पुण्यशो मुरारहे भव अम्बुर्धि वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम न देशाम। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाभ को ग्रहण कर लिया है जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात हैं, अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए यह भवसागर गोखुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है या कि वैकुंठ है। वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है जहाँ ना तो भौतिक कष्टमय जीवन है ना ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, भ्रमवश जो व्यक्ति सोचता है उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति एक दास की है, एक सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। अर्थात कृष्ण
का सेवक बनने में ही भलाई है। यहाँ श्रुतस्य और श्रोतव्यस्य पद शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन पांचों विषयों के उपलक्षण हैं। इस श्लोक का जो परिशिष्ट भाव है कर्मों में योग यानी समता ही कुशलता क्यों है, इसका कारण ही पद से इस श्लोक में बताते हैं। सात्विक कर्म का फल निर्मल है, राजस कर्म का फल दुख है और तामस कर्म का फल मूढ़ता है। गीता के 14वें अध्याय के 16वां श्लोक, इन तीनों प्रकार के फलों का समता युक्त मनुष्य त्याग कर देता है। कर्मजन्य फल के त्याग के दो अर्थ हैं, फल की इच्छा का त्याग करना और कर्मों के फल स्वरूप अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर सुखी दुखी न होना। आसान नहीं है, जब कोई कार्य किया जाता है तो ये संभव नहीं है कि फल की इच्छा का त्याग हो जाए। इस भौतिक संसार में बहुत मुश्किल है ये दोनों नियम को अपनाना और कर्मों के फल स्वरूप अनुकूल कि ये सही है या गलत है, और जब वो कर्म होता है तो उसको सुखी मन दुखी मन से करना या ना करना, या करना है सुखी मन से या दुखी मन से, फिर परिस्थिति जो है वो प्राप्त हो रही है तो उससे जिस परिस्थिति में वह कर्म किया जा रहा है, यदि दुख का क्षण है और यदि सुख का क्षण है, तो ये संभव नहीं है कि उससे सुखी दुखी ना हो। वास्तव में उत्पत्ति विनाशशील संपूर्ण संसार कर्म फल के सिवाय और कुछ है ही नहीं। कर्म फल का त्याग कर दें तो फिर कोई भी बंधन बाकी नहीं रहता। मनीषी शब्द का अर्थ है बुद्धिमान। पूर्व श्लोक के अनुसार समता पूर्वक कर्म करना ही बुद्धिमत्ता है। गच्छन्ति पद के तीन अर्थ होते हैं, पद्म गच्छन्तया न मयम अनामयम। नंबर एक ज्ञान होना, नंबर दो गमन करना और नंबर तीन प्राप्त होना। यह निर्विकार पद की प्राप्ति का अर्थ है। जन्म मरण से रहित पन्ने का और निर्विकार पद की स्वतः सिद्ध प्राप्ति का ज्ञान हो जाना, कारण कि नित्य निवृत्त की ही निवृत्ति होती है और नित्य प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। इस श्लोक से यह सिद्ध होता है कि कर्मयोग मुक्ति का कल्याण प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है। कर्मयोग से संसार की निवृत्ति और परमात्म तत्व की प्राप्ति दोनों ही हो जाते हैं, दोनों हो जाते हैं। By this engaging in devotional service to the Lord, great sages or devotees free themselves from the results of work in the material world. In this way, they become free from the cycle of birth and death and attain the state beyond all miseries by going back to Godhead. The liberated living entities belong to that place where there are no material miseries. The Bhagavad Gita Sam Ashrita Ye Pad Pallambam महत्व पदम पुण्य यशो मुरा रहे भव आंबु बुद्धिर्व वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। फॉर वन हु हैज एक्सेप्टेड द बोट ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड हु इज द शेल्टर ऑफ कॉस्मिक of the cosmic manifestation and is famous as Mukunda or the giver of Mukti.
The ocean of the material world is like the water contained in a car's footprint. Parampadam, or the place where there are no material miseries, or Vaikuntha, in his goal, not the place where there is danger in every step of life. Owing to ignorance, one does not know that this material world is a miserable place where there are dangers at every step. Out of ignorance only, less intelligent persons try to adjust to the situation by fruitive activities, thinking that the resultant actions will make them happy. They do not know that no kind of material body anywhere within the universe can give life without miseries. The miseries of life, namely birth, death, old age and disease, are present everywhere within the material world. But one who understands his real constitutional position as the eternal servitor, of the Lord, and thus knows the position of the personality of Godhead, engages himself in the transcendental loving service of the Lord. Consequently, he becomes qualified to enter into the Vaikuntha planets, Vaikuntha Dham, where there is neither material miserable life nor the influence of time and death. To know one's constitutional position means to know also the sublime position of the Lord. One who wrongly thinks that the living entity's position and the Lord's position are on the same level is to be understood to be in darkness and therefore unable to engage himself in the devotional service of the Lord. He becomes a Lord himself and thus paves the way for the repetition of birth and death. But one who, understanding that his position is to serve, transfers himself to the service of the Lord, at once becomes eligible for Vaikuntha Lok, Vaikuntha Dham. Service for the cause of the Lord is called Karma Yoga or Buddhi Yoga, or in plain words, devotional service to the Lord. Srimad Bhagavad Gita